Hello students, welcome back. I hope you are well at your home. Today we are going to learn maths of class 4. Chapter number 4, tick, tick, tick. In this chapter, we will learn about calendar. And in previous video, we have learned about clock and minutes, hand and second hand. Previous video mein humne क्लॉक के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी टाइम को शो कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और आज का जो हमारा वीडियो है वो कैलेंडर पे डिपेंड है। कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना होगा कि कैलेंडर में क्या क्या होता है। आप लोगों के घर में तो सभी के घर में कैलेंडर होता होगा, तो कैलेंडर में जो होता है उसमें एक तो होता है डेट, डेट होता है 1-2, कुछ मंथ में 30 होता है, कुछ 31। वो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ चुके हैं आप पहले कि कौन कौन से मंथ में कौन सी डेट आती है। एंड मंथ्स, मंथ्स भी आपने पढ़े होंगे। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये होते हैं 12 मंथ। एंड ईयर आपको पता है कि 1 ईयर जब कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट में चलता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर है, 2021। ओके, तो कैलेंडर में ये सब चीजें होती हैं कि डेट, कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। अब हम उसी पे डिपेंड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि डेट, जैसे जनवरी है, जनवरी में कितनी डेट होती है, टोटल जो डेज होते हैं जनवरी में 31 है। वो आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा कि आपके पास जो रिस्ट होता है, जो है हैंड में होता है कि 31, फिर 28 या 29 डेज होते हैं फरवरी में, मार्च में 31, इस तरीके से आपने पढ़ा है। अब है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 1986 को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आप लोग कॉपीज में भी लिखते होंगे जब क्लास वर्क करते हैं या होमवर्क करते हैं, तो आप इस तरीके से नहीं लिखते कि 2 दिसंबर 1986, ऐसा बहुत कम ऐसे कॉपीज में लिखते हैं। तो इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको लिखने से पहले हम, जैसे सेकेंड है मीन्स डेट क्या है, डेट क्या है, सेकेंड है एंड अवलिक दिसंबर, दिसंबर कौन सा मंथ है, मीन्स जैसे जनवरी फर्स्ट है, फरवरी सेकंड है, मार्च थर्ड, तो इस तरीके के क्या होता है, जो दिसंबर है वो क्या है, 12, ये क्या है, 12 मंथ्स है। एंड ईयर क्या होगा, 1986, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, किसका, 2 दिसंबर 1986। ओके, एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट रिपब्लिक डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे क्या होता है एंड आपके पास है इंडिपेंडेंस डे, वो क्या होता है। रिपब्लिक डे मींस जो आप लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो वो उसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे। एंड जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो क्या होता है, 15 अगस्त को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो उसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, या 15 अगस्त उसकी डेट होती है। अब रिपब्लिक डे सिंपल सा है, क्या है, 26 जनवरी। अब इसको तो हम लिखेंगे 26 जनवरी। अब जनवरी कौन सा मंथ है, फर्स्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मंथ। एंड फर्स्ट रिपब्लिक डे मींस फर्स्ट टाइम जो है हमारा जो इंडिया है वो कब रिपब्लिक हुआ था, कब वो गणतंत्र हुआ था, तो कब था, 1950। तो इसका ईयर क्या है, 1950 में हम क्या है, जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है वह 26 जनवरी 1950 या 26 1 1950। ओके,
एंड सेम क्वेश्चन है द डेट मंथ एंड ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे. कब इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा जो देश फर्स्ट टाइम. वैसे तो हम लोग एवरी ईयर इसको क्या है सेलिब्रेट करते हैं, जैसे रिपब्लिक डे है वो एवरी ईयर यानी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट पूछा है तो हमने 26/1/1950 से हम स्टार्ट करते हैं. तो सेम वही इंडिपेंडेंस क्या है, तो 15 अगस्त है तो 15 तो क्या है इसकी डेट है. मंथ कौन सा अगस्त है, अगस्त यानी एक मंथ क्या है एक नंबर पे. एंड फर्स्ट जो था इंडिपेंडेंट वो क्या है 1947 को हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था, तो हम उसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. तो जो द डेट मंथ एंड ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस है 15/8/1947. नेक्स्ट इज 28 अक्टूबर 2005. तो डेट तो आपको गिवन है क्या है 28 अक्टूबर क्या है देखो फर्स्ट काउंट कर सकते हैं आप लोग. अगर आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं तो फर्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर यानी 10 मंथ एंड ईयर इज 2005. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये जो गिवन है आपके पास डेट मंथ एंड ईयर ये इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म है. आपके पास वर्कबुक में पेज नंबर 25 के कुछ और क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं, आप लोग उसको अच्छे से समझना और उसकी हमें प्रैक्टिस करनी. ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग ऑफ दीज डेट्स. इससे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, अब इस शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे मंथ्स में लिखेंगे. ओके एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9/6/1972. अब 9 इसको हम क्या लिखेंगे 9th एंड 6 मींस कौन सी नंबर पे 6 नंबर पे कौन सा मंथ आता है. तो आपको पता होना चाहिए जैसे फर्स्ट पे जनवरी सेकंड पे फरवरी थर्ड पे मार्च फोर्थ पे अप्रैल मई एंड जून. मींस जो 6 नंबर पे जो मंथ है ये क्या है जून. 9th जून और ईयर सेम वही लिखेंगे 1972. ओके एंड बी क्वेश्चन इज 10/1/2010 यानी 10th डेट हम ऐसे लिखेंगे डेट को 10th एंड 1 पे कौन सा मंथ है जनवरी. तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा जनवरी एंड जो ईयर है ये क्या है सेम 2000. तो इस तरीके से करना है, ये शॉर्ट फॉर्म है. इस शॉर्ट फॉर्म में मंथ्स जो है कौन से नंबर पे है वो आपने लिखना है. तो इसके 2 पार्ट और हैं वो आप लोग खुद करनी वर्कबुक में आपके पास 25 एंड 26 पेज पे. ओके स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेट विल इट बी. Means, क्या डेट होगी इफ 5 डेज आफ्टर 15 जून. 15 जून के 5 डे के बाद कौन सी डेट होगी या इंडिपेंडेंस डे के 10 डेज पहले कौन सी डेट होगी वो आपने फाइंड करनी है. जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपने कैसे करना, आपके पास गिवन है डेज एंड मंथ यानी डेट है और मंथ है. तो इसको करने से पहले हमें यहां पे लिखना है डेज एंड मंथ. ओके एंड नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आफ्टर है या बिफोर है तो क्वेश्चन में क्या करना है. आपके पास छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वर्ड बिफोर What comes before 3? Before है तो 3 से पहले क्या आता है 2. तो आपने क्या किया 3 का माइनस किया 1 से तब क्या आया 2. यानी बिफोर जब आप करोगे तो माइनस आएगा एंड आफ्टर
क्वेश्चन होता था आपके पास सेकंड में या थर्ड में आपने पढ़ा है, व्हाट कम्स आफ्टर थ्री, कि थ्री के बाद क्या आता है, तो थ्री के बाद क्या आता है, फोर। आपने क्या किया, प्लस, यानी जब आफ्टर आया तो थ्री के सामने प्लस वन किया तब फोर आया। तो सेम यही है कि जब आपके पास गिवन है आफ्टर तो आपने प्लस करना है, एंड अगर बिफोर है तो आपने माइनस करना है। अब क्वेश्चन है 5 days after 15 June, तो इसको करने से पहले आपने डेज और मंथ लिखना है। डे कितना है 15, एंड अब जून में कौन सा मंथ आता, मींस कौन से नंबर पे होता है, आपको पता है अभी प्रीवियस वीडियो पढ़ाया था आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जून कौन से नंबर पे आता है, 6 पे, ये लिखना है। आफ्टर 5 days, अब आफ्टर है तो क्या करना है, प्लस, क्या प्लस करना है, 5 days, एंड मंथ्स गिवन नहीं है तो आपने क्या है, 0 लिखना है इसमें। तो अब आपने इसको क्या करना है, प्लस, मंथ 6, 0 ये आया 6, एंड 15 प्लस 5 कितना हुआ 20। अब देखो 5 days आफ्टर 15 June, मींस 15 June के आफ्टर 5 days क्या होगा, तो क्या होगा 20 June, यानी जो डेट होगी वो 20 June होगा, क्योंकि आफ्टर है तो ये प्लस होगा, तो आपका आंसर है 20 June। एंड नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज 10 days बिफोर इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के 10 days पहले कौन सी डेट आएगी, तो सेम इस तरीके से करना है, मेथड है डेज एंड मंथ। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस। डेज है 15 अगस्त, अगस्त यानी 8 नंबर पे आता है, तो यहां पे आएगा 8। एंड क्वेश्चन में कहा है कि 10 days बिफोर, 10 दिन पहले, यानी तो बिफोर है 10, तो क्या है माइनस, मंथ नहीं गिवन है तो यहां 0। अब इसको करेंगे आप, 8 - 0 मींस 8 ही आएगा, एंड 15 - 10 कितना है 5, तो ये आएगा 5th अगस्त, मींस इंडिपेंडेंस डे के 10 days पहले 5th अगस्त होगा, तो आंसर इज 5th अगस्त, ये आपका आंसर। ओके सर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है बिफोर आफ्टर में, कि कौन से डेज बिफोर आएगा और आफ्टर, आफ्टर है तो प्लस, बिफोर होगा तो माइनस। तो इस तरीके से आपके पास पेज नंबर 26 में इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं, वो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे बाद में। ओके स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन, मींस 2 days आपको गिवन है, उनके बीच में नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस कितना है वो आपने कैलकुलेट करना है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेप्टेंबर 21 टू अक्टूबर 10, मींस सेप्टेंबर है, सेप्टेंबर 21 है, ओके, एंड 21 से लेके अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है डेज का, तो सितंबर 21 से लेके अब टोटल सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं सितंबर में 30, क्योंकि हमें पता है जनवरी में 31, फरवरी 28, 29, एंड मार्च में 31, तो इस तरीके से जो होता है सितंबर में जो है 30 डेज होते हैं टोटल। अब उसमें 21 डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्यों, क्योंकि हमें सितंबर के टोटल डेज क्या है वो आपने फाइंड करना है। अब 21 में 30 - 21 कितना हुआ 9 days, मींस 21 से लेके जो मींस सितंबर है 30 तक,
21 सितंबर से 30 सितंबर तक तो डेज है, वो क्या है? 9 है, यानी डेज ऑफ सितंबर कितने हैं? 9। एंड प्लस सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। 10 डे मींस डेट 1, 2, 3 करके क्या है? 10 डे ऑफ अक्टूबर। अब इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 10 प्लस 9 कितना हुआ? 19। तो ये आएगा 19 डेज का इनके बीच में डिफरेंस है, किसके? 21 सितंबर टू अक्टूबर 10। ओके, एंड नेक्स्ट इज 22 मई टू जुलाई 15। अब सेव करना है। मई के बाद क्या है? जून जुलाई, मींस वन मंथ भी है इन मई के। 22 से लेके जो टोटल होते हैं इसमें 31 तक, मई जून और जुलाई के डेज इनके बीच में कितना डिफरेंस है वो हमें निकालना है। मई में है टोटल डेज होते हैं 31। अब 22 से 31 के बीच कितना डिफरेंस है, आपने माइनस करना है 32 एंड 22 कितने हो गए? 9। ओके, कितने हो गए? 9। अब 9 डेज तो हो गए हैं मई के। ओके, एंड जून में कितने होते हैं? 30। जून के हो गए 30 डेज, क्योंकि इसमें बीच में ऐसा नहीं है कि 10 डेज है या टोटल पूरा मंथ है, क्योंकि इसमें बताया मई टू जुलाई, तो मई के बीच में क्या होता है? जून। एंड जुलाई के डेज कितने हैं? 15। अब इसको प्लस करेंगे कितना? 9 प्लस 5 कितना हुआ? 4। 1 कैरी 3 प्लस 1 4 और प्लस 1 कैरी 54 डेज। मींस जो 22 मई से 15 जुलाई तक का जो डिफरेंस है किसके नंबर ऑफ डेज, वो कितना है? 54 डेज। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो डेज बिटवीन डिफरेंस है वो आपने इस तरीके से निकालना है। ओके, और भी पार्ट है इसके, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।